हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी खाद जो इतनी गर्मी में भी आपके पौधे को हरा भरा रखेगी और फलों और फूलों से भरा भी रहेगा आपका गार्डन। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और मैं आपको अपना पहले गार्डन दिखा दूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है। मैं अभी दिखाऊंगी, तब भी हमारे गार्डन में सभी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हेल्दी और हरे भरे हैं और बिल्कुल भी नहीं झुलसे हैं। तो मैं ऐसा क्या क्या करती हूँ, यहाँ पर देखिए गुलाब का पौधा है लेकिन ये अभी ख़राब हो गया, उसे कट करना है। और ये देखिए फल भी अच्छे आ रहे हैं और जो चीज़ें भी लगाई हुई दोस्तों सारे अच्छे चल रहे हैं और कोई भी आपको पौधा ऐसा नहीं दिखेगा जो झुलसे हुए। और अभी मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, तो मैंने देखे यहाँ पे कोई भी ग्रीन नेट नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है। मेरे पौधे इसी तरह पूरी तरह धूप में पड़े रहते हैं और मैं ये भी बताऊँ कि मेरे पौधे ज़्यादातर छोटे गमले में ही लगे हुए हैं, तब भी हमारे कोई पौधे ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, तो सबसे पहली चीज़ है तो मैं पानी अच्छे से डालती हूँ, दो बार डालती हूँ, और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं 15 दिन में एक बार अपने पौधों पे डालती हूँ। तो इससे हमारे पौधे बिल्कुल भी झुलसे नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि मोगरा में भी, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मोगरा का पौधा है और इसमें भी काफ़ी अच्छा से फूल आ रहे हैं और बहुत अच्छे खिले हुए हैं देख सकते हैं। और कलियाँ भी भर भर के बन रही है, जो बहुत सारे खिलके ख़राब भी हो रहे हैं और नए कलियाँ भी बनते जा रही है। तो ये बस इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए और इस तरह से बनाकर अपने पौधों पे दीजिएगा, तो आपके भी पौधे इसी तरह से हरे भरे रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों सिर्फ हरे भरे नहीं रहेंगे, अच्छे से फूल भी आएंगे। अभी देखिए दोस्तों हमारा अपराजिता भी है और ये भी देखिए काफ़ी हरा भरा है और इसे मैंने कट भी कर दिया था अभी। और इसे भी देखिए, मतलब जितने भी पौधे हैं आपको कोई भी झुलसे हुए नहीं दिखेंगे, जबकि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी हमारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको खाद दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है पानी, और बिल्कुल ये फ्री की चीज़ों से मैंने बनाई है दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ लेना है दोस्तों, तो ये है गोबर के कंडे। तो गोबर के कंडे मेरे मिल्कमैन दे जाते हैं तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कम से कम हमें एक या दो कंडे ले लेना है, अगर ज़्यादा पौधे हैं तो आप दो कंडे ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक कंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ जो तोड़ के रखा हुआ है, और ये बहुत अच्छी खाद होता है दोस्तों और इससे मिट्टी भी भुरभुरी होती है, तो इसीलिए ज़रूर डालिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी होती है। और दूसरी खाद है दोस्तों, तो ये है देखिए केले का छिलका। तो केले के छिलके में तो सभी जानते हैं भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ज़्यादातर पोटेशियम होता है, तो इसलिए इसे भी डालिए। और ये देखिए हमारे किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट है जो मैंने सुखा के रख लिया है, तो इसे भी आप ज़रूर डालिए। और देखिए अगर सुखा के डालते हैं दोस्तों तो आपके किचन वेस्ट का मतलब तरल खाद बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए, और अब जब कच्चे किचन वेस्ट डालेंगे तो उसका बदबू भी होता है। तो इस तरह से सारी सब्जियों को हमें डाल देना है। और इसमें एक और चीज़ डालना है दोस्तों, तो ये सबसे मेन खाद होता है गर्मियों के लिए, तो ये है हमारा एलोवेरा। तो कम से कम 3 से 4 पत्ते ले लेना है क्योंकि मेरे पौधे भी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर 4 पत्ते ले रही हूँ। तो इस तरह से इसे लेकर और इसे कट कर देना और अपने पानी में डालना है। तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं और इसमें आयरन भी होता है, और इसमें एक अच्छी तत्व होती है कि इससे आपके पौधे अगर झुलसे हुए भी तो बिल्कुल भी नहीं झुलसेंगे। तो ये आप ज़रूर डालिए और इसका इस्तेमाल हर 15 दिन में आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ही करते रहती हूँ, हर 15 दिन में मैं 1-2 पत्ते या 4 पत्ते लेकर इसी तरह, क्योंकि मेरे पौधे ज़्यादा है तो मैं डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को कट कर लिया है और अब इसे भी हम लोग इसी पानी में डाल देंगे। और इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है दोस्तों, बस इसे आप 24 घंटा तक रखें। अगर 24 घंटा से ज़्यादा रखेंगे तो इसमें बदबू आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और बस इतना ही करना है, और ये एकदम सारी मतलब क्या बोले सारे पोषक तत्व इसमें हैं और ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार होगा। और देखिए दोस्तों ये हो गया, और अब इसे हमें ढक देना है और ढक कर हमें 24 घंटे रख देना है। और देखिए दोस्तों ये दूसरा दिन है,
तो दूसरा दिन देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसका कलर भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी कोई बैड स्मेल नहीं है, बिल्कुल भी बदबू नहीं है। आप आराम से अपने पौधे पे डाल दीजिए, कोई भी महक नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोग बस 24 घंटा ही रखिए, 24 घंटा में ही जो भी इसके तत्व निकल जाते हैं और अगर जो बच जाएंगे उसको भी क्या करना है मैं आगे बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों इसे हमें अच्छे से छान लेना है। तो एक टोकरी हमने ले ली है, उसी पे मैं छान लेती हूँ। देखिए इस तरह से रख के यहाँ पर, देखिए इसी के साथ ये भी चला जा रहा है। तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ और फिर से छानती हूँ। तो इसे छान कर ही दें क्योंकि अगर इसके मतलब कच्चे वाले चीज़ें सब्जियों के छिलके जाएंगे तो हो सकता है पौधे पे फंगस लगे। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे इस तरह से नहीं छना रहा था, कभी कभी खोपड़ी काम नहीं करती है। तो चलिए इसे मैं इससे यहाँ रख देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें छानने में मदद हो गया। तो कभी कभी काम करते करते हुए थोड़ी सी नए आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए इसी तरह हम लोग को ले लेना है और सभी मतलब इसे पतला कर लेना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है। और छोटे पौधे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही पतला कर लीजिए। तो मैंने तो ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो इसीलिए इस तरह से इसे पतला कर लीजिए। और इसे डालना है शाम को, दिन को बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि तेज़ धूप होती है। तो तेज़ धूप में तो सारा असर इसका ख़त्म हो जाएगा और अगर शाम में डालते हैं तो क्या होगा कि शाम के समय में रात भर पौधे पे ये काम करता रहेगा तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे। इसीलिए कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या कोई भी खाद हो शाम में ही ज़रूर डालें दोस्तों, दिन में बिल्कुल भी नहीं डालें। सुबह में डालने से क्या होता है सारा धूप में उड़ जाता है तो पौधे में मतलब उसे का पोषक तत्व तो पौधे नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए इसे शाम में डालिए। तो मैं भी इसे शाम में ही डाल दूँ। तो इसी तरह देखिए स्ट्रॉबेरी है, मतलब हम लोग सभी पौधों पे डाल सकते हैं इसे। और देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है तो ये साइड पे रखा हुआ है और यहाँ पर एक फलों मतलब सब्जियों का पौधा है और ये देखिए हमारा मोगरा है छोटा सा ही और इसमें भी बहुत सारी कलियाँ बनी हुई। तो इसे हम लोग सारे ही पौधे पे डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जीनिया लगा हुआ है तो सब में इस तरह से डालिए, देखिए कितने अच्छे फूल भी आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ यही खाद डाल रही हूँ दोस्तों और कोई खाद नहीं डाल रही, तब भी हमारे सारे पेड़ पौधे जो भी हैं सभी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर गुलाब है तो अभी बहुत सारा खिल गया था और ये दोबारा से खिल रहे हैं, कुछ नए ब्रांच भी आ रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह से डाल देना और ये खाद आप हर 15 दिन में अपने पौधों पे आराम से डालेंगे तो आपके पौधे इसी तरह से हरे भरे भी रहेंगे और झुलसेंगे भी नहीं। और अभी दोस्तों जो हम लोगों का बच गया था वेस्ट, तो उसे क्या करना है तो इसे फेंकना नहीं है दोस्तों। इसमें भी अभी बहुत सारी मतलब बाकी है, ये पूरा नहीं निकल पाया क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे इसे डाल के रखा था। तो इसमें से जो भी पोषक मतलब पानी है उसे निकाल लीजिए और इसे क्या करना है दोबारा से इसमें पानी डाल देना है और यही प्रोसेस 2 दिन तक करते रहिए तो इसका पूरा जो भी इसका पोषक तत्व तो निकल जाएगा। उसके बाद जो किचन वेस्ट बचेगा, देखिए इस तरह से हमने पानी डाल दिया और इसे भी ढक कर फिर से रख देना और दूसरे दिन हम लोग दोबारा से और भी पतला करके इसे दोबारा भी अपने पौधों पर डाल देंगे तो कोई ख़राबी नहीं करता। मैं तो दोबारा भी डालती हूँ क्योंकि ये होता है किचन वेस्ट वगैरह क्या होता है ना कि ये देसी खाद होता है तो ये आपके पौधों को ख़राब नहीं करेगा, ऑर्गेनिक चीज़ें पौधों को ख़राब नहीं करती है। तो बस इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।